मेरा बच्चा पार्टी क्या हाल चाल कैसे हो आप तो आ गया हूं, मैं एक और कुकर की सीटी बोलती है और आगे अरविंद अरोरा सर बोलते हैं हव यू मेरा बच्चा पार्टी क्या हाल चाल कैसे हो आप लोग तो चलो मैं आज आप लोगों को एक नई चीज सिखाता हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी सीखी होगी चीज नहीं है तो बच्चे भी मुझे लगता है एक्सपेक्टेडली कितने होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए कम होने चाहिए पता नहीं बट ठीक है आप ओवरऑल ये ऑल आपको काम आएगा तो आज हम क्या करने वाले हैं फ्लो चार्ट्स किसके हाइड्रोकार्बन आज जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ना उसमें जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती हैं उनमें ना अगर आपको पता हो कि नीट के एग्जाम में जब आप नीट का एग्जाम देने जाते हो या फिर अपना बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो तो इन दैट केस क्या होएगा डेफिनेटली वहां पर ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएंगी और जो इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चा होता है वो क्या करता है वो ना एक फ्लो चार्ट बना लेता है फ्लो चार्ट समझते हो वो एक फ्लो चार्ट बना लेता है और फ्लो चार्ट के थ्रू है ना एक छोटे से फ्लो चार्ट में सारी चीजें आ जाती हैं फ्लो चार्ट का अपना एक अलग बेनिफिट होता है तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लो चार्ट बेसिकली हाइड्रोकार्बन के जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन है ना उनके फ्लो चार्ट आज मैं आप लोगों को याद करवाने वाला हूँ सारी केमिकल रिएक्शन याद हो जाएंगी और फ्लो चार्ट बनाते कैसे उससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है जो बहुत कम बच्चों को पता है सो so, आज की जो सीरीज है बेसिकली जो मैं फ्रेश सीरीज शुरू कर रहा हूं वो है फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ठीक है और हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन से शुरू कर रहे हैं कौन से चैप्टर से शुरू कर, कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन से शुरू कर रहे हैं ठीक है सो so, ये पहले तो किन बच्चों को देखना चाहिए जो 2020 में एग्जाम दे चुके हैं 2021 में एग्जाम देंगे उनको जो बारवी क्लास में अभी ट्वेल्थ में आए हैं और जो 2021 में एग्जाम देंगे उनको और जो 2022 के बच्चे हैं उनको भी देखना चाहिए क्यों क्योंकि आपका एक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और सारी केमिकल रिएक्शन याद भी कराऊंगा और अगर आपने ये देख लिया तो हाइड्रोकार्बन की सारी केमिकल रिएक्शन आज, आज आपको याद हो जाएंगी तो ये पढ़ने पढ़ाने वाली बात है भाई शुरू करते हैं आज के सेशन को मेरा नाम है आपका ए स्क्वायर प्यारा ए स्क्वायर अरविंद अरोरा और आपका केमिस्ट्री मेंटर और आप मुझे कहां पे देख रहे हो आप मुझे देख रहे हो वेदांतु के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब के सबसे बड़े नीट चैनल वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एट ऑल घोस्ट अरविंद अरोरा चलिए फटाफट -पड़ से शुरू करते हैं आज की जो स्लाइड्स बनाई हैं वो कार्तिका सिंह और गौतम भारद्वाज दोनों ने मिलकर प्रिपेयर किए हैं सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइज Uh, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग दैट्स रियली गुड बच्चों के लिए और स्पेशली बच्चों को मैं बोलूंगा देखो इतनी फैमिली में मेहनत जो है इतनी फैमिली में मेहनत हो रही है तो हमें तो कहना बनता है ना कि भैया सब्सक्राइब कर लो तो मेरे प्यारे बच्चों रेड बटन यानी कि सब्सक्राइब का बटन दबाओ और बगल में घंटी का बटन भी दिया है उसे भी दबाओ क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ राइट बन तो मेरे प्यारे बच्चों फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो बच्चों को ये नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है तो मैं पहले आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा ओके तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन में तीन आ, टोटल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं अपन कौन कौन से एक एल्केन एक एल्कीन एक एल्काइन इसमें बेंजीन को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं तो बेंजीन को अपन सेपरेटली पढ़ेंगे तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के केस में आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा और उनकी सारी केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूं फ्लो चार्ट क्या होता है ना मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन अगर आप लिखने बैठोगे तो कम से कम है ना चार पांच पेज में लिखोगे उसको ठीक है फ्लो चार्ट वो चार पांच पेज का काम है ना दो पेज में सलटा देता है ये मजे की बात है और आपके ना कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं तो फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं और ना सिर्फ बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी सिखाऊंगा आ रहा है समझ में तो चलिए बच्चों लोग पार्टी शुरू करते हैं आज की पार्टी मेरी तरफ से मेरे प्यारे बच्चों 800 बच्चे देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट द सेशन चलिए सबसे पहले तो हम लोग रिएक्शन के रिएक्शन को चेक करने वाले हैं किसके रिएक्शन को चेक करने वाले हैं एल्केन्स के तो मैं पहले आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूं पहले एल्केन क्या होता है मुझे आप लोग बताओ वॉट डू यू मीन बाय एल्केन एल्केन का मतलब होता है कार्बन चैन है आपके पास इसी को बोलेंगे ना आर एच जिसमें एल्केल्केन का मतलब ये हो गया कि कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है ठीक है और उसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है ठीक है जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है सी एन एच टू एन प्लस टू इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्केन बोलते हैं एल्केन जानते हो जैसे कि मिथेन बच्चा पार्टी सबको पता होना चाहिए मिथेन इज एन एलकेन जैसे कि इथेन सी टू एच सिक्स

डेड के जितना शार्प बना सकते हो स्पाइडर मैन के जितना जालेदार बना सकते हो आयरन मैन के जितना लोहेदार बना सकते हो अब कैसे होता है ये फ्लो चार्ट तो आप देखो फ्लो चार्ट बनाने का तरीका क्या होता है अभी जो फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना अब आप ध्यान से देखो मैंने सेंटर में किसको लिखा सेंटर में मैंने मेरे टॉपिक को लिखा समझ में आता है वो क्या है एल्केन तो सेंटर से मैंने मेरे टॉपिक को लिखो सबसे पहले मैं ये सीख रहा हूं यहां से जो रेड लाइंस है ना बेसिकली ये सारी रेड वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो ये बता रही है कि भैया बनाया कैसे जाता है तो ये रेड वाले सारे के सारे सीन बेसिकली आपको क्या बता रहे हैं कि बनाया कैसे जाता है ठीक है और जो ग्रीन वाली है आपके पास ये ग्रीन वाले जितने भी साइकिल्स आपको ये ग्रीन वाले जितनी भी लाइंस दिखाई दे रही हैं वो सारे के सारे ये बता रही है कि एल्केन से क्या बनाया जा सकता है अगर अलग अलग केमिकल रिएक्शन कराए मान लो ऑक्सीजन से करा दी केमिनोफोर से करा दी एक्स टू से करवा दी एच न्यू की प्रेजेंस में एस टू निकल से करवा दी क्या बनाया जा सकता है तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो होता है फ्लो चार्ट अब आपको कि सर इसको याद कैसे करें तो मैं आपको याद भी कराऊंगा चिंता मत करो आज मेरे साथ बैठोगे तो सारी चीज याद हो जाएगी चलो तो इन सारी जो केमिकल रिएक्शन पर लिखी रहा है तो पहले तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे फिर मैं आपको ये फ्लो चार्ट दोबारा समझाऊंगा अभी तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरा काम क्या है इस फ्लो चार्ट को प्रॉपरली आपके दिमाग में घुस घुस घुसा देने का समझ में आता है तो आज मैं आपको ये पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट है उसको आपके दिमाग में घुस से घुसा दूंगा और अगर आप लोग तैयार हो इस जर्नी के लिए तो भैया मजा आने वाला है तो चलिए फटाफट -फड़ से शुरू करते हैं आज के सेशन को तो चलो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन तो इसमें मैंने कहा था कि दो तरह से केमिकल रिएक्शन होंगी एक तो हम लोग एल्कीन बनाते कैसे हैं। और फिर एल्केन से क्या बनाया जा सकता है तो सबसे पहले एल्कीन बनाते कैसे हैं। उस सारी केमिकल रिएक्शन को चेक करते हैं देखो एल्कीन बनाने के सबसे पहले ये सामने दो मेथड लिखे हुए ले ले किसको बोलते हैं सपोज करो कि आपने यहां पर क्या ले लिया एल्कीन ले ली सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू ये इसको क्या बोलते हैं इथिन अगर आपने इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दिया बताओ हाइड्रोजिनेशन कैसे कराओगे हाइड्रोजन लोगे और साथ में क्या लोगे प्लैटिनम ले लो निकिल लो आपकी मर्जी है प्यारे बच्चों जो आपको अच्छा लगता है तो ये क्या करेगा ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा और यहां से एक एक हाइड्रोजन जो है टोफी के जैसे बांट देगा तो ये क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एस थ्री बन जाएगा तो जब आप एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हो तो आपको एल्कीन मिलती है ये अपने को पता है एल्काइन में भी हो सकता है एल्काइन किसको बोलते हैं बताओ मुझे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच अब आप इनका हाइड्रोजनेशन करा दो अगर मैंने इसका हाइड्रोजेनेशन करा डाला सपोज इसका हाइड्रोजनेशन करा डाला अगेन प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो ये क्या करेगा दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देगा दोनों और यहां पर आपको क्या बन जाएगी सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री यानी कि एल्केन बन जाएगी आया सबको समझ में अब इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में अब थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद में बनाएंगे वापस से समझ में आ गया अब दूसरा वाला क्या मेथड है रिडक्शन ऑफ एलकाइल हेलाइट आप कोई एलकाइल हेलाइट ले लो जैसे कि मान लो मैंने ले लिया अल्काइल हेलाइट का मतलब क्या हो गया मिथाइल क्लोराइड ले लिया सपोज इसको एलकाइल हेलाइट कहते हैं अगर आप इसका रिडक्शन करा दो रिडक्शन होता है जिंक की प्रेजेंस में आप करवा सकते हो रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपको इसको हाइड्रोजन देना है तो बेसिकली जिंक क्या करेगा यहां से क्लोरिन को यहां से उठा लेगा समझ में आ गया जिंक क्लोराइड बनाएगा और उसको हाइड्रोजन पकड़ा देगा तो ये सी बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन रिडक्शन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो इस तरह से हाइड्रोजन का एडिशन करवाना और वो भी किसकी प्रेजेंस में होएगा जिंक मेटल की प्रेजेंस में होएगा तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूं ये देखो जरा ध्यान से देखो आपने यहां पर एल्कीन ली हाइड्रोजनेशन कराया प्लेटिनम पेलेडियम निकल किसी से भी कराओ आपको यहां पर एल्कीन मिल जाएगा एल्काइन लोगे हाइड्रोजनेशन कराओगे प्लेटिनम पेलेडियम निकल में आपको एल्केन मिल जाएगा जिंक की प्रेजेंस में जो आप यहां पर एच जिंक और एच दोनों होते हैं ध्यान रखना एक एसिड से आपको एच प्लस मिलेगा समझ में आता है तो आप एच सी एल यानी एसिड यूज कर सकते हो वहां से आपको क्या मिल जाएगा यहां से आपको एल्काइल मिल जाएगी बन गया अगले मेथड कौन से अगला मेथड बड़ा फेमस मेथड है जिसको बोलते हैं वुड्स वुड्स रिएक्शन रिएक्शन से आप बताओ कि एलकाइल हेलाइट से एल्केन कैसे बनाओगे तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको क्या है वुड्स रिएक्शन ऑफ एलकाइल हेलाइट इसके लिए पहले आपको एलकाइल हेलाइट चाहिए सपोज करो कि मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों मिथाइल क्लोराइड मिथाइल की क्लोराइड की मुझे दो यूनिट लेनी पड़ेगी तो मैंने दो यूनिट इस तरह से लिख दी समझ में आ गया अब इसका रिएक्शन मैंने किससे करवाया सोडियम से करवाया तो सोडियम भी मुझे दो लेने पड़ेंगे और क्योंकि मुझे पता है कि सोडियम जो है क्लोरीन बहुत है। तो से बहुत प्यार करता है तो अगर यहां पर सोडियम क्लोरीन से बहुत प्यार करता है तो यहां पर NaCl की दो यूनिट बाहर निकलेंगी तो ये दो यूनिट जो है NaCl की निकल चुकी हैं बाहर अब आपके पास क्या बन रहा है यहां पर सी एच थ्री सी एच थ्री यानी कि एलकेन बन गया तो इसका मतलब वुड्स रिएक्शन से आप एलकेन बना सकते हो वेरी इंटरेस्टिंग अगला रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट अगर आपने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया अगर आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया और उसका डी कार्बोक्सिलेशन करवाया तो इन दैट केस आप लोग क्या बना सकते हो एल्केन बना सकते हो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो कोई मान लो मैं ले, ले लेता हूं एसिटिक एसिड एसेट का सोल्ड सी एच थ्री सी डब्लो एन ए ठीक है ये ले लिया सोडियम एसिटेट ले लिया अब इसका रिएक्शन आपको किससे करवाना होता है इसका रिएक्शन आपको NaOH से करवाना होता है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकिन साथ में आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी रखना होता है इसी कॉम्बो से आपका डी कार्बोक्सिलेशन होता है डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है वहां से आपको सीओ टू की पूरी यूनिट बाहर निकालनी है तो यहां से क्या होगा ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ना सी डबल ओ एन ए और यहाँ पर एन ए ये सारा का सारा यूनिट मिला के क्या बनाता है यहां पर एन ए टू सीओ थ्री बाहर निकलता है सोडियम कार्बोनेट यहां से बाहर निकल जाता है

तो देखो कहीं ना कहीं से तो इंसान को शुरुआत करनी होती है तो आप शुरुआत करो एक एक चीज को ऑब्जर्व करो ध्यान से देखो कि क्या पढ़ाया जा रहा है फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आपको ये चीजें जब पहली बार पढ़ोगे तो मान लो थोड़ा कम समझ में आया लेकिन दूसरी बार जब इसको डिटेल में पढ़ोगे तो सारा समझ में आएगा फिर फ्लो चार्ट भी बना पाओगे ठीक है अब हम और आगे चलते हैं ये वुड्स रिएक्शन और आपके पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है में आपको क्या लेना पड़ता है यहां पर आपको अलकाइल हैलाइड लेना होता है और उसको सोडियम सीरेक्शन कराना होता है मेन चीज ये है कि यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस भी रखनी होती है और यहां पर एनईओ एच और सीओओ सीरेक्शन कराना होता है और साथ में हीट भी चाहिए होता है अब देखो अगला जो मेथड है वो है कोलबेज मेथड फ्रॉम सोल्ट ऑफ सी डब्लो एच तो आपको क्या करना है कोलबेज मेथड में आपको अगेन यहां पर क्या लेना है सोडियम एसिटेट ले लिया मान लो ठीक है उस सोडियम एसिटेट का आपको क्या करवाना है मेरे प्यारे बच्चों सोडियम एसिटेट का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है कोलबेज मेथड में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होता है क्या करवाना होता है इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में यहां पर पानी भी इस्तेमाल किया जाता है पानी भी होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल होती है तो इन दैट केस आपको क्या करना है कुछ नहीं आपको एक कंटेनर लेना है उसमें आपको दो इलेक्ट्रोड लगाने और उन इलेक्ट्रोड को बेसिकली बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देने ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है और इसके अंदर आपको क्या करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट पानी के साथ भर देना है आ रहा है समझ में तो इन दैट केस क्या क्या बनेगा मैं आपको समझाता हूं ओवरऑल यहां पर इसकी दो यूनिट आपको लेनी है अब इन दो यूनिट में क्या होगा जो CH3 की जो दो यूनिट है वो आपस में मिलके क्या लेंगी? CH3, CH3, C2, बना लेंगी CH3CH3 यानी कि C2H6 बना एच आर यू गेटिंग सी पॉइंट इसको बोलते हैं हमारे पास यू यहां से आपकी CO2 गैस बाहर निकलेगी साथ में क्योंकि एंट्रोपी से सपोर्ट करेगी समझ में आता है तो यहां पर सीओ की यूनिट्स भी बाहर निकल गई एल्केन भी बन गया और साथ में यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बाहर निकलेगा तो ये ओवरऑल यहां पर कलेक्शन होता है आपके पास

तो इन दैट केस वहां से सीओ टू लिबरेट हो जाती है तो सी टू एच इथेन बन रहा है और सीओ टू यहां से हो जाती है। साथ में NaOH भी होती है। एक और मस्त बात है कि यहां से भी अलग से होती है, आपको ध्यान है। अच्छा अब आपसे पूछे कि सी टू एच सिक्स कहा मिलता है ये बेटा आपको एनोड पे मिलता है सीओ टू कहा मिलता है ये सीओ टू बेसिकली ये भी एनोड का ही प्रोडक्ट है एनओए एच मिलता है एनओ एच सोल्यूशन के अंदर बचा रह जाता है और हाइड्रोजन कहां पे मिलता है हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलता है यह सवाल भी काफी बार पूछे जाते हैं ओवरऑल रिएक्शन समझाऊं मैं फिर से आपको समझा देता हूं CS3, CWONA, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिस कराते हो तो आपको यानी यानी कि इथेन मिलेगा प्लस सीओ टू प्लस एनएच और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होती है जिसमें से ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों ये आपको कहां मिलती है ये आपको बैटरी के एनोड पर मिलती हैं अच्छा एनियोवेज कहां पे मिलता है सॉल्यूशन के अंदर मिलता है अच्छा हाइड्रोजन कहां पे मिलता है हाइड्रोजन कैथोड पे मिलता है ये सवाल भी काफी बार पूछे जाते हैं ठीक है और इसके डिटेलिंग में बहुत सारे डिटेल लेक्चर में करा चुका हूं आज फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं अब अपन चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है हेलोजिनेशन आप एल्केन का हेलोजिनेशन करा सकते हो सपोज करो कि आपने क्या ले लिया सी इसका रिएक्शन आप मान लो आपने करवा दिया क्लोरीन के साथ एचन की प्रेजेंस में मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन यहां से एक बाहर लिबरेट हो जाएगा और सी एच थ्री सी एल यानी कि मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा ये केमिकल रिएक्शन जो है अनकंट्रोलेबल है अगर आप इसको आगे भी करवाते हो अपने आप ही प्रोसीड हो जाएगी अगर वहां पर क्लोरीन की प्रेजेंस है तो तो यहां से एक और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा सीएच टू सी एल टू बन जाएगा और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता रहेगा अगर आपने क्लोरीन को हटाया नहीं तो समझ में आता है तो इस तरह से हर बार हाइड्रोजन हटते रहेगा लास्ट में आपके पास देखो सेकंड लास्ट आपके पास सी एच सी एल थ्री बनेगा और अगर आपने फिर भी हाइड्रोजन नहीं क्लोरीन नहीं हटाया तो आपके पास सी सी एल फोर बन जाएगा तो कंटिन्यूसली चलता रहता है अच्छा कंबर्शन रिएक्शन क्या होती है अगर आप लोगों ने किसी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबर्शन करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो दो ही चीज बनाता है पहला तो बनाता है वो सीओ टू दूसरा बनाता है वो पानी

न डिग्री और टू डिग्री एल्किन्स उनका कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होता लेकिन अगर आप लोगों ने थ्री डिग्री एल्कीन ले ली वो डू यू मीन बाय थ्री डिग्री एल्कीन तो यहां पर मान लो एक कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन है लेकिन वो ऊपर नीचे दाएं वो कार्बन चैन से जुड़ा हुआ है यहां पर भी आर यहां पर भी आर यहां पर, पर भी आर इसका मतलब थ्री डिग्री थ्री डिग्री में क्या होता है ना कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है मतलब ये हाइड्रोजन हटाया जा सकता है इन दैट केस अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन के की प्रेजेंस में करवा दिया तो के क्या करेगा नेसेंट ऑक्सीजन देता है ये नेसेंट ऑक्सीजन घुस जाती है यहाँ पे बॉन्ड बनाने में और यहां से क्या मिलता है आपको ये कार्बन है जो तीन तरफ से तो कहां से कार्बन चेन से बेसिकली घिरा हुआ है एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है और यहां पर h की जगह पे क्या आ जाता है oh यानी कि अल्कोहल मिलता है नाउ दिस इज वेरी 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 इंपोर्टेंट अल्कोहल यहां से फॉर्म होता है अब आते हैं आइसोमराइजेशन से ये दोनों रिएक्शन मेरी फेवरेट है आइसोमराइजेशन का क्या मतलब है सपोज करो कि आपके पास एक लंबी सी कार्बन चेन है हार्डो कार्बन चेन है ये देखो कितने कार्बन है एक 2 3 4 5 6 तो ये हो गया c6h14 ठीक है और ये स्ट्रेट छह कार्बन की चेन है अब यहां पर अगर आप इसका आइसोमराइजेशन करवाना चाहते हैं तो आपको एनहाइड्रस हाइड्रस एल सी एल थ्री की यूज करना पड़ेगा एनहाइड्रस हाइड्रस एल सी एल थ्री और साथ में एच सी एल लेना पड़ेगा ये कॉम्बो क्या करता है यहां पे ब्रांचिंग कर देता है छह की जगह पांच ही कार्बन रह जाएंगे एक दो तीन चार कितने हो गए एक दो तीन चार और पांच ठीक है और आइसोमराइजेशन का मतलब यहां पर आप देखो वहां पर वो स्ट्रेट चेन थी यहां पर ब्रांचिंग हो गई समझ रहे हो इसको क्या बोलते हैं आइसोमर्स कहते हैं ना हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन उतने ही हैं। लेकिन यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो गया और किसकी प्रेजेंस में हुआ ए एल सी एल थ्री और एच सी एल की प्रेजेंस में मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप लोगों ने थ्री डिग्री यहां पर आ, थ्री डिग्री यहां पर एल्केन लिया तो केमेनोफोर की प्रेजेंस में वो क्या बना देगा थ्री डिग्री एल्कोहल बना देगा ये देखो यहां पर सी एच थ्री है यहां पर भी सी एच थ्री है यहां पर भी सी एच थ्री है और यहां पर लग जाएगा ओ OH. एच मतलब थ्री डिग्री में रिएक्ट करता है और अल्कोहल बना देता है और अगर आप आइसोमराइजेशन देखना चाहते हो स्ट्रेट लाइन को आप किस में कन्वर्ट करन, कर सकते हो यहां पर आइसोमर्स बना सकते हो मतलब यहां पर ये यह चैन बेसिकली हुक निकल निकल के कहां पे जुड़ सकते हैं अलग से ब्रांचिंग करवा सकते हो आप ए एल सी एल थ्री और एच सी एल की प्रेजेंस में ठीक है अब हम चलते हैं आगे एरोमेटाइजेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है एरोमेटाइजेशन कैसे होता है एरोमेटाइजेशन में मान लो कि आपके पास है ना ये छोर्टीन है सी सिक्स को क्या बोलते हैं एन एनजेन कहते हैं ठीक है अब एरोमेटाइजेशन अगर आप कराना चाहते हो मतलब एरोमेटिक रिंग बनाना चाहते हो तो छे कार्बन से आप बताओ कि कौन सी एरोमेटिक रिंग बनेगी बेंजीन अगर अगर आप बनाना चाहते हो इन दैट केस आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा Cr2O3 जिसको क्रोमियम ट्राई डाइक्रोमियम क्रोमियम ट्राई कहते हैं या फिर आप वी टू ओ फाइव भी ले सकते हो मोली बेटे का ऑक्साइड भी ले सकते हो आपकी मर्जी है तो यहां से आपको क्या दे देगा ये C6, बना के दे देगा मतलब ये बेंजीन बना के दे, दे देगा आप आप से 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 शुरू थे। आप कहां से शुरू हुए हुए थे थे कहां क्या बना के दे दिया इसने बेंजीन बना के दे दिया समझ में आ गया ये कॉम्बो बड़ा खतरनाक होता है मतलब ये कॉम्बो मतलब आप वेनेडियम का ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो क्रोमियम का ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो रिएक्शन विद स्टीम अगर आप लोग मान लो कि आपने यहां पर मिथेन ले लिया समझ में आ गया और उसका रिएक्शन आपने स्टीम के साथ करवा दिया स्टीम मतलब पानी तो होता है अच्छा खासा टेम्परेचर होता है समझ में आ गया इन दैट केस वो आपको वाटर गैस बना के देगा सी ओ प्लस एच टू दैट्स वेरी इजी दिस इज वाटर गैस समझ में आ गया तो केमिकल रिएक्शंस को दोबारा दिखा देता हूं ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है जरा आप ध्यान से चेक करो एरोमेटाइजेशन में आपको मान लो कि छह कार्बन और चौदह हाइड्रोजन के साथ हेक्सेन लिया

अब आते हैं पायरोलिसिस पायरोलिसिस में क्या होता है अगर आप लोगों ने पेट्रोलियम पढ़ा पढ़ाओ मुकेश अंबानी वो क्या करता है वो बड़ी बड़ी जो हाइड्रोकार्बन चैन होती हैं बहुत बड़ी बड़ी हाइड्रोकार्बन चैन ठीक है अब ये इतनी बड़ी बड़ी हाइड्रोकार्बन चैन है अगर आप यहां पर है ना फुल टेम्परेचर दोगे फुल टेम्परेचर मतलब सेवन सेवनटी पर यह हाइड्रोकार्बन चैन टूट जाती है छोटी छोटी हाइड्रोकार्बन चैन में टूट जाएंगी या वो एल्केन बनाएंगी या वो एल्कीन बनाएंगी भी हो सकता है वो एल्काइन भी बना ले आ गया समझ में तो इसको पायरोलिसिस कहते हैं मतलब समझो ये सी सिक्स एच फोर्टीन का जो आपके पास है 773 में आपको सी सिक्स एच ट्वेल्व यानी कि एल्कीन बना के दे सकता है ये यहां पर छोटे छोटे एल्किन भी बना सकता है सी फोर एच एट सी टू एच सिक्स समझ रहो? ये एल्किन है <coughs> ये एल्काइन है सी फोर एच एट सी थ्री एच सिक्स बना के दे सकता है ये भी एल्काइन है सी टू एच फोर बना के दे सकता है सी एच फोर भी बना के दे सकता है मतलब बेसिकली वो छह कार्बन को आप तोड़ देते हो बड़ी बड़ी कार्बन चेन को तोड़ना जिससे आप एल्केन एल्न एल्काइन कुछ भी बना सकते हो उसको पैरोलिस कहते हैं पेट्रोलियम समझते हो समंदर से जो कच्चा तेल निकाला जाता है उस कच्चे तेल को पेट्रोल में बदला जाता है अलग अलग डीजल में बदला जाता है और ईंधन में बदला जाता है तो ये सब पैरोलिस कहलाता है है ना अब हम चलते हैं आगे सो so फाइनली आपको समझ में आया तो अब मैं आपको दिखाता हूं देखो तो पहले जो आपने पढ़ा था, अब सारी अब कैसे होती है तो फ्लो चार्ट कैसे बनता है में से पहले ये आपका सेंटर पॉइंट है अच्छा अब एलकेन बनाए कैसे जाती है सबसे पहले एल्केन बनाते हो आप लोग एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजिनेशन से आ गया समझ में मैं आपको फ्लो चार्ट बनाना सिखा रहा हूं जितनी केमिकल रिएक्शन है सब पढ़ के दिखा दिया मैंने आपको अच्छा उसके बाद आप किससे बना सकते हो वुड्स रिएक्शन से वुड्स रिएक्शन से आप और सोडियम और ड्राई ड्राईथर की प्रेजेंस में एल्केन बना सकते हो और किससे बना सकते हो आप यहां पर अगर आप आरएक्स आरएक्स का क्या करा दो हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन करा दो जिंक की प्रेजेंस में तो भी आप एल्केन बना सकते हो अभी आप पढ़ के आए थे मैंने आपको पढ़ाया था अगर आप डी कार्बोक्सीन करवा दो आपको क्या लेना है आपको यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेना है उसकी रिएक्शन आपको करानी है एनईओ और सीओओ से इस कॉम्बो से तो आपको आपको क्या मिलेगा एल्केन आप कोल से भी करा सकते हो आप आर सी डब्ल्यू एच का सोल्ट ले लो आर सी एन ई तो इन दैट केस आर सी डब्ल्यू एनए है बेसिकली वो आगे कन्वर्ट हो जाता है दैट्स नॉट अ बिग डील तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेना है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है आपके पास एल्केन तैयार हो गया अच्छा अब यहां से सबसे पहले चाहते हो तो आप क्या करो यहां पर? पर आप प्लेटिनम यूज कर सकते हो निकेल यूज कर सकते हो पैलेडियम यूज कर सकते हो बड़ी बड़ी जो आपके एल्केन्स होती हैं, वो छोटे एल्काइन्स में टूट जाती हैं। इसको पायरोलिसिस कहते हैं इसके अलावा अगर आप मान लो एल्कीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हो आप क्या कराना चाहते हो एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहां पर क्रोमियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहां पर का ऑक्साइड मोलीबेनियम का ऑक्साइड कुछ भी यूज करो दे विल कन्वर्ट देम इनटू द एरोमेटिक रिंग्स इसके अलावा अगर आप लोग आइसोमरीजम बनाना चाहते हो आइसोमराइजेशन कराना चाहते हो मतलब एन हेक्सेन है उसको आइसोहेक्न में कन्वर्ट करना है नियोहेक्न में कन्वर्ट करना है तो आप AlCl3 और HCl के कॉम्बो से करोगे समझ में आता है मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और अगर आप मान लो कि आप एल्केन का रिएक्शन करवा रहे हो मान लो आप स्टीम से निकल की प्रेजेंस में स्टीम हो, तो आपके पास मिलेगा, की में होता है और अगर आप लोग यहां, यहां पर थ्री डिग्री थ्री डिग्री एलकेन का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास एल्कोहल मिलता है ये सारी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको पढ़ के दिखा दी इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कराते हो तो CO2 और H2O मिलता है। इसको बोलते हैं चार्ट क्या कहलाता है ये फ्लो चार्ट अब किस किस को समझ में आ गया फ्लो चार्ट चैट सेक्शन में लिख के बताओ फिर अपन आगे चलेंगे अभी खत्म नहीं हुआ अभी तो क्या खत्म हुआ एल्कीन नाउ विल टॉक अबाउट एल्कीन लेकिन अभी किस किस बच्चे को समझ में आ गया कि वाकई में कि किस तरह से फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं कम ऑन डूड एक बार चार्ट सेक्शन में लिख के बताओ थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों किस किस को समझ में आ गया कि फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाते हैं बारह बच्चों ने प्यार भरा लाइक भेजा है क्या बात है अगर आपका दिल भी बड़ा है तो लाइक जरूर करना क्योंकि मैं आपको आज फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूं ठीक है अब अपन चलेंगे एल्किन्स का फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है तो पहले मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा उसके बाद मैं सारी केमिकल रिएक्शन आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा और उसके बाद अपन फ्लो चार्ट को फिर से डिस्कस करेंगे ऐसी एल्काइन के लिए भी करेंगे जिससे आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा ठीक है तो चलो अब मैं आप लोगों को क्या दिखा रहा हूं अब मैं आप लोगों को की रिएक्शन दिखाऊंगा फ्लो चार्ट देखो सबसे पहले ये है इसका फ्लो चार्ट आई हाय क्या फ्लो चार्ट है आई लव इट तो ये फ्लो चार्ट है अब इतना बड़ा फ्लो चार्ट है इतनी सारी रिएक्शंस हैं आप देखो जो रेड कलर वाली रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी प्रिपरेशन है इससे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो और ये जो ग्रीन कलर वाली जो आपके पास रिएक्शंस है इस तरफ वाली वो केमिकल रिएक्शंस है मतलब एल्कीन कैसे बनाई जाती है और एल्कीन से आप क्या बना सकते हो ये दोनों फ्लो चार्ट में कवर हो जाता है ठीक है एल्कीन कैसे बनाई जाती है और एल्कीन से आप क्या बना सकते हो ये सारा फ्लो चार्ट में कवर होता है अब मैं आपको ये सारी केमिकल रिएक्शन जो यहां पर लिखी हैं वो मैं आपको दिखाता हूं फिर अपन फ्लो चार्ट को फिर से कवर करेंगे अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाना क्योंकि ऐसी समझदारी वाली पढ़ाई कहीं नहीं होती है पूरे यूट्यूब पे ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूं चलो तो सबसे पहले एल्कीन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है कैसे बनाया जाता है एल्कीन को तो सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ एल्काइन अगर आप एल्काइन का रिडक्शन करा दो तो आप एल्कीन बना सकते हो कैसे सपोज करो कि आपके पास एक कोई एल्काइन है तो अपन मान लेते हैं कि भैया अपने कौन से वाली एल्काइन लोगे मेरे प्यारे बच्चों बोलो अपन ये वाली एल्काइन ले लेते हैं मान लो कि सी एच थ्री उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद सीन सी एच थ्री ले इसको क्या बोलते हैं प्रॉप टू आइन सॉरी ब्यूट टू आइन बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्यूट टू आइन अब इसमें क्या कर सकते हो आप ये रिएक्शन दो तरह से होती है आप सबसे पहले तो आप इसका बर्च रिडक्शन करा सकते हो क्या करा सकते हो बर्च रिडक्शन बर्च रिडक्शन में किसको यूज करते हो ठीक है बर्च रिडक्शन में आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया को यूज करते हो सोडियम और लिक्विड अमोनिया को अगर आपने यूज किया तो यहां से ट्रांस एल्कीन बनेगी ट्रांस एल्कीन का क्या मतलब है यहां पर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड ठीक है सी एच थ्री चला गया ऊपर हाइड्रोजन आ गया नीचे एक सी एस री आ गया नीचे और एक हाइड्रोजन चला गया ऊपर तो ये इसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रांस एल्कीन तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप एल्काइन के रिडक्शन से ट्रांस एल्कीन बना सकते हो बर्च रिडक्शन से लेकिन अगर आप लोगों ने मान लो ट्रांस नहीं बनानी है सिस बनानी है इन दैट केस आप लोग क्या करो आप लोग बर्च रिडक्शन नहीं लिंडलर कैटलिस्ट यूज कर लो क्या यूज करोगे लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है आपको प्लेडियम लेना है प्लेटिनम लेना है हाइड्रोजन लेना है लेकिन साथ में बी एस पॉइजन की तरह भी लेना है आप कुछ भी ले सकते हो आपकी मर्जी है इन दैट केस आपके पास सिस फॉर्म बन जाएगी सिस फॉर्म का क्या मतलब होता है दैट्स वेरी इजी सिस फॉर्म में ऊपर हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी हाइड्रोजन होगा यहां पर मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर भी मिथाइल ग्रुप होएगा देखो पढ़ने वालों को पता है कि क्या हो रहा है ठीक है जो पढ़ चुके हैं इलेवंथ में उनको पता है कि इलेवंथ में सारी चीज पढ़ के आए थे अब इसको अपन फ्लो चार्ट भी बनाएंगे तो ये हो गया आपके पास बर्च रिडक्शन या आपका लिंडलर कैटलिस्ट जो दोनों से आप लोग क्या बना सकते हो दोनों आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन करके देंगे और दोनों से आप लोग एल्काइन एल्कीन बना सकते हो एलकाइन से फिर आपके पास आता है दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एलकाइल हेलाइट एलकाइल हेलाइट के रिडक्शन से आप बना सकते हो कैसे मैं आपको समझाता हूं सपोज करो कि आपके पास है ना ये है आपके पास सी उसके बाद यहां पर सी और यहां पर मान लेते हैं अपन सी एच टू और यहां पर मान लेते हैं सपोज करो कि बी आर है ब्रोमीन है और यहां पर हाइड्रोजन है सपोज कर लो सपोज करने में क्या जाता है तो आपने एल्काइल हेलाइट ले ली अब उल्टा भी कर सकते हो हाइड्रोजन की जगह भी बी आर लगा सकते हो मान लो कि अब मैंने यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया आपकी मर्जी है कुछ भी लगाओ आपको एच बी आर की यूनिट बाहर निकालना है अब और यहाँ पर एच हाइड्रोजन लगा दिया और यहां पर मैंने मान लो ब्रोमीन लगा दिया आपकी मर्जी है नो प्रॉब्लम इन द तो आपको यहां पर एच की पूरी यूनिट बाहर निकालनी है कौन निकालेगा एच की पूरी यूनिट बाहर पिया हुआ ये HBR का पूरी यूनिट कौन बाहर निकालेगा पिया हुआ आपकी मर्जी है कहीं भी लगा देना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यानी पिया हुआ यहां से आर की यूनिट बाहर निकाल देगा क्या बना देगा वो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एल्किन बना दिया अच्छा आप ये काम इससे भी करा सकते हो डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड एचो कैसे आप एक एल्कोहल ले लो एल्कोहल क्या होता है सी एच थ्री उसके बाद सी एच उसके बाद सी एच टू और मान लो कि हाइड्रोजन इसका नीचे लटक रहा है भाई का और यहां पर ओ OH. एच तो इसको बोलते हैं एल्कोहल इसको क्या बोलते हैं प्रोपेनॉल सॉरी प्रोपेनोल बोलते हैं ना एल्कोहल और अगर आप यहां पर एच टू एच फोर का यूज कर लेते हो एच टू सो फोर क्या करता है एच टू सो फोर पानी की यूनिट को बाहर निकालने का काम करता है ये सारी पानी की यूनिट को बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा आपको सी एच थ्री उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बना दिया पानी की यूनिट को उसने बाहर निकाल दिया एच टू फोर का तो काम ही इनकी केमिकल रिएक्शन है समझ में एल्कोहलिक इतना पावरफुल होता है कि वो एच बी आर की या एच सी एल की यूनिट को बाहर निकालने का काम करता है इसी तरह से यहां से कॉन्सेंट्रेटेड एस फोर यहां से हाइड्रोजन और ओ OH एच की यूनिट को बाहर निकालने का काम करता है चलिए अगला है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहेलाइड मान लो आपके पास विसिनल डायलाइड है विसिनल का क्या मतलब है विसिनल का मतलब है सीएस टू सी एस टू और आजू बाजू के कार्बन पे मान लो कि आपके पास हेलोजन लगे हुए हैं समझ में आ गया अब यहां से आप जिंक से इसका रिएक्शन कराओ जिंक क्या करेगा यहां से जेड एन एक्स टू को बाहर निकाल देगा आपके पास क्या बन जाएगा सीएस टू डबल बॉन्ड सी एस टू आ रहा है समझ में ये मतलब होता है तो आपको दिख रहा है जिंक ये काम करेगा विजनल से बाहर निकालने केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते दैट्स दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडिशन एडिशन ऑफ ऑफ इजी में कुछ नहीं है सपोज करो आपके पास एक एल्कीन है तो मैं यहां पर मैं ऐसे दिखा देता हूं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एस टू ठीक है और आप यहां पर क्या करना चाहते हो अभी तो करके आए थे हाइड्रोजिनेशन करोगे प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में ये हट जाएगा यहां से क्या बन जाएगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री दैट्स वेरी इजी इसी तरह से एडिशन ऑफ हेलोजन भी करा सकते हो मान लो आपके पास सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू है जिसको क्या बोलते हैं? हम लोग एल्कीन ठीक है अब इसकी रिएक्शन आपको हाइड्रोजन की बजाय आप मान लो ब्रोमीन से करवा दिया ठीक है तो ब्रोमीन सीसीएल फोर की प्रेजेंस में ये आप ध्यान रखना सीसीएल फोर की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी और ब्रोमीन कैसा होता है ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है जैसी वो एल्किन से रिएक्शन करेगा वो रिएक्शन करके क्या करेगा अपने आ रहा है समझ में ये जो ब्राउन कलर का जो लिक्विड होता है या ध्यान रखो देखो हाइड्रोजनेशन कराना तो बहुत आसान है निकिल प्लेटिन पेलेडियम ब्रोमिनेशन में आप सीसीएल फोर को यूज करते हो ब्रोमीन खुद रेडिश ब्राउन कलर का होता है पीछे देखो एकदम खून के कलर का होता है लेकिन जैसे ही आप ब्रोमीन का रिएक्शन करवा देते हो सपोज किससे करवाते हो आपने अगर एलकीन से करवा दिया तो वहां से ब्रोमीन का रेड कलर गायब हो जाएगा विसिनल बना लेगा इसके अलावा रिएक्शन क्या है मार्कोवनिकोव मार्कोवनिकोव रूल रूल दैट्स वेरी इजी हैगाते लगाते हो जैसे कि प्रोपीन ले लिया उस पर अगर आप लोगों ने एच एक्स की रिएक्शन करा दी ठीक है तो आपका यहां पर जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो वहां पर जुड़ेगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे यहां पर और x कहाँ जुड़ेगा यहां पे बेसिकली आप कहें स्टेबल कार्बो के का टाइम यहां पर टू डिग्री है तो टू डिग्री पे x जाके जुड़ जाएगा तो ओवरऑल जो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली ये बनेगा ठीक है टू डिग्री हेलो एल्केन बन गया टू डिग्री हेलो एल्केन ये मार्को रूल है लेकिन एक एंटी मार्को रूल भी होता है अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और सपोज करो कि आप यहां पर एच का एडिशन करा रहे हो एच की प्रेजेंस में तो जस्ट ऊपर वाले का उल्टा होता है यहाँ पर वन डिग्री आपके पास क्या मिलेगा वन डिग्री हेलो मिलेगा आ रहा है समझ में इसको एंटी इन दैट केस तो यहां पर, 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 तो पर देखो ब्रोमीन पर जोड़ा है आपने। सेंटर वाले पे लेकिन अगर आपके पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो ब्रोमीन अब कहां जोड़ रहा है खुद देखो ये देखो टर्मिनल एल्काइल है यहां पे समझ में आ रहा है इसको बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकोव रूल अगला क्या है एडिशन एडिशन ऑफ ऑफ वाटर वाटर दैट्स वेरी इजी एज वेल अगर आप किसी भी एल्कीन पे करवाना चाहते हैं वाटर का या पानी का एडिशन कराना चाहते हैं दैट्स वेरी इजी पानी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडिशन होता है आप एच की प्रेजेंस में भी एडिशन करा सकते हो कुछ भी नहीं है मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करोगे तो आपके पास टू डिग्री एल्कोहल तैयार हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा एल्कोहल तैयार हो गया आ रहा है समझ में अगला रिएक्शन है केमिनोफोर की में। केमिनोफोर में एक तो होता है ठंडा केमोनोफोर एक होता है गर्म केमोनोफोर दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग किस किस को आता है केमिकल रिएक्शन बताओ मुझे मान लो कि अपन ने ठंडा केमेनोफोर ले लिया सपोज करो कि आपके पास ये है कि सी एच थ्री उसके बाद सी एच ठीक है डबल बॉन्ड सी एच टू सपोज करो कि आपके पास है, ये अपन ने प्रोपीन लिए अगर प्रोपीन का केबिनोफोर से रिएक्शन कराते हो और वो भी ठंडा यानी कोल्ड समझ में आ गया तो इतनी पावर नहीं होगी तो इन दैट केस ये क्या करेगा पानी तो होगा ही वहां पर प्रेजेंस पानी तो प्रेजेंट होगा ही और केमिनोफोर क्या करता है नेसेंट ऑक्सीजन देता है तो ओवरऑल देखोगे तो आपके पास क्या तैयार हो रहा है जर आप चेक करो ओ एच ओ एच यानी कि आपके पास ओ OH एच की दो यूनिट तैयार हो रही है ध्यान से देखो एच टू ओ प्लस ओ ओएच ओ एच तैयार हो रहा है तो यहां पर डायओल बनेगा इसको ये टूटेगा पाई बॉन्ड और बेसिकली क्या होएगा सी एच थ्री उसके बाद सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू और उसके बाद कुछ नहीं यहां पर भी ओ OH, एच यहां पर भी ओ एच OH, डायऑल तैयार होगा किस किस को पता था कि केविनो फोर ठंडे से डायऑल तैयार होता है लेकिन ये तो केमेनोफोर ठंडे से तैयार होता है केमेनोफोर गर्म से क्या होता है तो मैं भी आपको बता देता हूं ये तो ठंडे से ठंडे से डायोल तैयार होता है ये तो आपको समझ में आ गया ठंडे से डायोल तैयार होता है ना वॉट गर्म गर्म से क्या होगा भाई तो मैं गर्म से बताता हूं सपोज करो कि आपके पास ये है ये आपके पास प्रोपाइन है समझ में आ गया सॉरी प्रोपीन है अगर प्रोपीन में केमेनोफोर का आपने रिएक्शन करवा दिया ठीक है के का रिएक्शन करवा दिया और वो भी हॉट कोल्ड नहीं है इस बार हॉट है तो आपको कुछ नहीं करना आप डबल को तोड़ दो इतनी पावर होती है कि डबल बॉन्ड को वो तोड़ देता है तोड़ने के बाद है ना आप इसको देखो बेसिकली आपने लिया क्या था आपने लिया था सी एच थ्री उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये लिया था और यहां पर आपने हॉट केमिनोफोर लिया था हॉट मतलब गर्म हॉट केमिनोफोर लिया था तो ये तोड़ देगा यहां से और इस पूरी यूनिट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा इस पूरी यूनिट को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा तो बेसिकली आप यहां पर क्या बनाते हो सी एस एच बनाते हो मतलब यहां पर एसिडिक एसिड तैयार हो जाता है और ये सी एस टू यूनिट क्या देगा आपको ये सी एस टू यूनिट बनाएगा एच सी डब्ल्यू एच जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है तोड़ने के बाद समझ में आया चलिए तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है दोनों हॉट एंड कोल्ड के लेकिन केस में यहाँ पर बनते हैं, बन जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको यहां पर तो यह पाई बोन तोड़ दो एच पकड़ा दो इसको ओ एच पकड़ा दो और इन दैट केस तो आपको दोनों बॉन्ड तोड़ने और उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है समझ में आया फिर आता है आपके पास ये है सी एच थ्री उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सपोज करोगे आप इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हो ओजोनोलिसिस में ओजोन यूज करोगे साथ में आगे जिंक और पानी भी यूज होता है इन दैट केस आपको क्या करना है कुछ नहीं भैया बहुत सिंपल है इसके भी दोनों बॉन्ड तोड़ दो ओजोनोलिसिस के केस में जब आप दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हुए हैं ऑक्सीजन पकड़ा दो इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हुए हैं ऑक्सीजन पकड़ा दो क्या क्या बना एक से तो बन गया आपके पास सी एच थ्री सी एच ओ मतलब एल डी समझ में आ गया इज दिस क्लियर एसिड एल डी दूसरा वाला क्या बना देगा फोर्म एल डी एच सी एच ओ आ गया समझ में तो एसिड एल डी हाइड फॉर्म एल डी यहां पर बनेगा तो ये केमिकल रिएक्शन ऐसे परफॉर्म होती है दैट्स वेरी सिंपल आपको ये तोड़ना है इस कार्बन को एक ऑक्सीजन पकड़ानी है इस कार्बन को एक ऑक्सीजन पकड़ानी है बात खत्म

और यहां पर एल्कीन जरा ध्यान से समझना एल्कीन का अगर आप लोग अब केमिकल रिएक्शन में सीधे हाइड्रोजिनेशन कराते हो तो एल्केन बना के देगा इसके अलावा एल्कीन का अगर आप हेलोजिनेशन कराते हो जैसे कि आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ब्रोमीन रिएक्ट कर लेगा अगर ब्रोमीन का कलर गायब हो रहा है इसका मतलब या तो वो एल्कीन है या वो एल्काइन है क्योंकि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही ब्रोमीन का कलर गायब कर देते हैं अगर आप इसका रिएक्शन मार्कोमिकोव एच एक्स यूनिट एड करना चाहते हो मार्कोबनिको रूल से तो आपके पास सेकेंडरी या मिलेंगे स्टेबल समझ में आता है लेकिन अगर आप लोगों ने पेरॉक्साइड की प्रेजेंस रख ली तो वन डिग्री एल्काइल हेलाइड तैयार होगा अगर आप लोगों ने यहां पर वाटर का एडिशन करवाया तो आपके पास मार्कोमिकोव रूल से सेकेंडरी या टर्शरी एल्कोहल मिलेंगे अगर आपने कोल्ड के से रिएक्शन करवाया तो आपके पास डायऑल मिलेंगे और अगर आपने ओजोनोलिसिस करवा दिया तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और किटोन मिलेगा समझ में आ गया ये पूरी फ्लो चार्ट है अब आप देख लो जो मैंने पढ़ाया वो आपको याद हो गया होगा इसलिए कहता तो हूं पेशेंस रखो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है पैशन और पेशेंस दोनों चीजें आपको मदद करेंगी तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्कीन का चार्ट कैसा होता है जिसको समझ में आ गया देखो अगला वाला टॉपिक पंद्रह सौ बच्चों ने लाइक कर दिया अब हम एल्काइन के लिए देखेंगे तो मैं आपको एल्काइन पे लेके चलता हूं डायरेक्टली एल्काइन की प्रिपरेशन और उसके आ, फ्लो चार्ट कैसे होता है पहले तो अपन देखेंगे फिर और को थोड़ा आउट करते हैं। एल्काइन का तो अपन ये, 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 तो ये प्रिपरेशन मेथड है ये दो प्रिपरेशन मेथड है समझ में आ गया एल्कोहलिक केवेज से और एनियोवेज से आप एल्काइन बना सकते हो आप विसिनल डायलाइड को यूज करते हुए या फिर कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हो इसकी केमिकल रिएक्शन में अगर आप निकिल प्लेटिनम पैलेडियम से एल्केन तो में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप यहां पर कराते हो, तो ब्रोमीन वो, जो ब्रोमीन का कलर होता है वो पूरा हो जाएगा। और यहां पर बन इसी तरह से अगर आप एच से रिएक्शन कराते हो तो मार्कोवनी को लगा दो। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी जो कि सबसे सबसे, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी कौन सी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं मर्क्यूरी और डिल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होता है एल्काइन के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन तो ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बोलते हैं एल्काइन का फ्लो चार्ट अब मैं आपको एक एक केमिकल रिएक्शन फटाफट से कवर करा देता हूं तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड अगर आप कैल्शियम कार्बाइड से बनाना चाहते हो तो पहले तो कैल्शियम कार्बाइड बनाओगे कैसे इसके लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड देता है प्लस साथ में क्या देगा सीओ टू गैस बाहर निकालेगा यही कैल्शियम ऑक्साइड जो आपको दिखाई दे रहा है इस कैल्शियम ऑक्साइड को बेसिकली आपको क्या करना है कार्बन से रिएक्शन करवानी है ये कार्बन क्या करेगा तीन कार्बन ले लें ठीक है इस मैच करते हुए तो यहां पर एक तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा सी ए सी टू प्लस यहां से क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगी अब यही जो कैल्शियम कार्बाइड है जब आप इसको पानी से रिएक्शन करवाते हो समझ में आ गया वाटर से एच ऊ एच दो यूनिट लगेंगी इसकी ठीक है दो यूनिट तो यहां से क्या क्या होएगा बेसिकली ये ये C2 और ये H2, आपस में क्या बना लेते हैं एल्काइन की फॉर्मेशन कर लेता है साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बाहर निकलता है ये देखो इस तरह से केमिकल रिएक्शन दैट्स वेरी इजी है ना तो चलो यहां तक आपको समझ में आ गया किस तरह से कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनाया जाता है सी टू एच टू बनाया जाता है इसके अलावा एक और तरीका विसिनल डायहेलाइट पकड़ लो विसिनल डायलाइट सपोज करो कि आपके पास ना है ना ऐसा कोई डायलाइट है सीएच सी एच ठीक है नीचे एक ब्रोमीन है ऊपर एक ब्रोमीन है मतलब मैं तो अपनी मर्जी से लगा रहा हूं मेरे को मजा आता है ऐसे लगाने से और कुछ नहीं आप कहीं भी लगा लो आपकी मर्जी है तो इस तरह से मैंने लगा दिया मैंने कुछ नहीं किया विसिनल डायलाइट पकड़ा सबसे पहले तो एक से रिएक्शन कराओ क्या करेगा एक एचबीआर की यूनिट को बाहर निकाल देगा तो ये ऊपर वाली पूरी एच बी आर की यूनिट बाहर निकल गई तो क्या बनेगा यहां पर सीएच डबल बॉन्ड सी एच इसके साथ बी आर इसके साथ हाइड्रोजन है अब अगर मान एच बी आर की तो एच बी आर की एक और यूनिट कैसे बाहर निकालोगे बाहर निकालो किसकी प्रेजेंस में निकालोगे सोडामाइड की प्रेजेंस में एन ए एन एच टू ये पावरफुल होता है और आपको क्या बना के दे देगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच बना के दे देगा अब अपनाते हैं डाय सबको समझ में आ गया किस तरह से करते हैं प्रेजेंस में होता है और फिर आपके पास एन टू की प्रेजेंस में होता है ये मैंने आपको बता दिया अब अपन आते हैं इनकी केमिकल रिएक्शन की तरफ अगली केमिकल रिएक्शन तो बहुत आसान है सपोज करो रिडक्शन रिडक्स में कुछ नहीं है आप ये ट्रिपल बॉन्ड पूरे के पूरे तोड़ दोगे अभी तो पढ़ के आए थे प्लेटिनम प्लेडियम और निकल की प्रेजेंस में पूरे तोड़ देंगे दोनों ये जो आपके पास है पूरे मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेंगे और ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन के अंदर मतलब सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा दैट्स वेरी इजी अगली दो केमिकल रिएक्शन बाकी जो मेरी फेवरेट है एडिशन ऑफ हेलोजन में कुछ नहीं है सेम हेलोजन हेलोजिनेशन कराना है आप पहला पाई पाइप तोड़ो इसको ब्रोमीन पकड़ा दो इसको ब्रोमीन पकड़ा दो एक बार और कराओगे तो एक और पाई बॉन्ड तोड़ दो इसको ब्रोमीन पकड़ा दो इसको ब्रोमीन पकड़ा दो एडिशन रिएक्शन होती है कुछ भी नहीं है फर्जी काम है मेरी फेवरेट केमिकल रिएक्शन की के तरफ चलते हैं हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट हाइड्रोजन हेलाइट का एडिशन ये तो कुछ नहीं है अभी बहुत आसान है ये मार्कोमिकोव रूल लगाओ आप सपोज करो कि आपके पास यहां पर मार्कोमिकोव की जरूरत ही नहीं है अगर मान लो आपके पास सिमिट्रिकल एलकाइन है और यहां पर एच बी आर का एडिशन कराना चाहते हो तो तो कुछ है ही नहीं एक जगह इसको हाइड्रोजन पकड़ा इसको ब्रोमीन पकड़ा हो बात खत्म तो यहां पर क्या होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बी आर तैयार हो गया आ गया समझ में एक बार और भी कराओगे तो एक बार और रिएक्शन हो जाएगी दैट्स नॉट अ बिग डील समझ में आ गया तो ये भी बहुत आसान है तो यहां पर आपके पास फिर से ये रिएक्शन जो आगे प्रोसीड हो सकती है अगर आप एच से रिएक्शन कराओगे तो ये बहुत आसान है मेरी फेवरेट रिएक्शन की तरफ चलते हैं मेरी फेवरेट रिएक्शन थी आइसोमराइजेशन ना वॉट डू यू मीन बाय दैट सो आई विल टेल यू अगर सपोज करो कि आपके पास है ना सी एच थ्री उसके बाद एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी एच केमिकल रिएक्शन है और अगर आपने इसका रिएक्शन की एच जी प्लस टू की प्रेजेंस में एच टू सो फोर से करवाया तो बेसिकली इनसे देखे घबराना नहीं है ये यहां पर डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर होता है एच ओ एच का एडिशन करा रहे हो और कुछ नहीं पानी का एडिशन करवा रहे हो तो मार्कोमिको एडिशन के हिसाब से हाइड्रोजन जाएगा यहां पर मार्कोवनी को एडिशन होगा यहां पे मार्कोवनी को एडिशन होगा और ओएच OH एच कहां जाएगा यहां पे यानी कि टू डिग्री आपके पास एल्कोहल तैयार हो रहा है तो ये इन ऑल तैयार हो रहा है CH3 उसके बाद ये रहा आपका कार्बन ये रहा आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब ओएच ग्रुप डबल बॉन्ड और यहां पर क्या हो रहा है सी ध्यान से देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इज इट क्लियर सबको समझ में आया अब ये मेरा फेवरेट क्यों है क्योंकि यहां पर होगा टोटोमरीजम टोटोमरीजम को आइसोमरीजम कहते हैं टी ए ओ ठीक है यू टी ओ टोटोमरीजम होगा टोटोमरीजम में क्या होता है टोटोमरीजम में बेसिकली क्या होता है ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करते हैं और ये बेसिकली दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और ये जो हाइड्रोजन बेसिकली यहां से अलग हो जाता है और वो चला जाता है इस कार्बन के पास ये तो आप जानते हो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेसिकली ये ऑक्सीजन क्या करता है दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचता है इस तरह से हाइड्रोजन यहां चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं तो इस तरह मूव होने के बाद क्या बन रहा है आप लोग मुझे बताओ जानते हो ना क्या होता है किटोन बन जाता है तो मजे की बात देखो यहां पर यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और किटोन इज मोर स्टेबल देन आपको पता होना चाहिए किटोन इज मोर स्टेबल देन इन दिस केस किटोन इज मोर स्टेबल देन तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एल्काइन से किटॉन कैसे बनाया जाता है एल्काइन से किटॉन तो आप किसका इस्तेमाल करते हो मर्क्यूरिका का टू एच फोर का आप एल्काइन से किटॉन बना सकते हो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सबको समझ में आ गया तो ये तरीका है इसका आपके पास यहां पर आप किटोन भी बना सकते हो अगर आपने इथाइन लिया होता तो आपके पास क्या बनता एल्डिहाइड बन जाता टोटो करवाना है अगली केमिकल रिएक्शन भी बहुत मेरी फेवरेट है साइक्लिक पोलिमराइजेशन मतलब अगर आप सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच की तीन यूनिट लेते हो है ना और इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हो तो ये सी सिक्स एच सिक्स में कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है आपको केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेंजीन बन जाती है तो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा यह पाइबोन शिफ्ट कर जाता है ये पाइबोन शिफ्ट कर जाता है पाइबोन के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाते हैं इस तरह से साइक्लिक

हाइड्रोजन वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एक्स वहां जाएगा जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे स्टेबल एल्काइल हेलाइट बनेगा अगर आप यहां पर ये मेरा फेवरेट है अब ये क्या है मर्क्यूरी और डिल्यूटेड एच टूए फोर्स है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं किटोन भी बना सकते हो एल्डिहाइड भी बना सकते हो और ये मेरा फेवरेट है और ये बहुत 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 बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब मैं क्या बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया और फिर उसके बाद लास्ट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलिमराइजेशन अगर आप यहां पर रेड हॉट रेड हॉट आप यहां पर आयरन की ट्यूब से एल्काइन को पास कराते हो तो इन दैट केस आपको वो बेंजीन बना के दे देगा इस तरह से फ्लो चार्ट को याद किया जाता है दिस इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट ऑफ ऑल थ्री एल्केन एल्काइन मजा आया तो अब फ्लो चार्ट का मैं इसी तरह से हाइड्रोकार्बन का करवाया हूं ऐसी मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली अलग अलग फ्लो चार्ट कराऊंगा अलग अलग दिनों में है ना तो इसको बोलते हैं बेटा फ्लो चार्ट इज दिस क्लियर

एंड गाइज आपको धूम मचाना है इस फैमिली को आगे लेके जाना है। so ज़रूर ज़रूर करना, करना। चलो, मेरे प्यारे बच्चों गुड नाइट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा लव यू ऑल गुड नाइट नाइट था बाय बाय अरविंद था बाय बाय एंजॉय